ये कोई न्यूज़ चैनल तो है नहीं कि मैं आपको ये न्यूज़ बताने के लिए इस वीडियो पर आया हूँ। इस वीडियो पर मैं बड़े सटीक तरीके से आपको ये बात करने वाला हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे रखनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ताकि कोई भी नगर निगम अधिकारी, सरकारी अधिकारी इन रीज़न से तो आपकी कोचिंग को बंद ना कर पाए। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो। बिहार की राजधानी पटना यानी बिहार का कोचिंग हब, हाल ही में खबर आती है कि वहाँ के जो DM हैं चंद्रशेखर सिंह, उन्होंने 138 कोचिंग क्लासेस को बंद करने का आदेश दिया। ये बात है 13 अप्रैल 2022 को, ज़्यादा पुरानी नहीं है। हुआ क्या, दो रीज़न बताए गए। पहला रीज़न वहाँ के कोचिंग के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और दूसरा वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड। मैं ये कहूँगा कि कोचिंग क्लासेस पर इस तरीके की परेशानियाँ आती जाती रहती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल कुछ साल पुराना लूँ तो गुजरात में जब कोचिंग क्लास में थर्ड फ्लोर पर आग लगी थी तब भी कोचिंग क्लासेस को इस तरीके की प्रॉब्लम को झेलना पड़ा। वो तो पूरे इंडिया लेवल पे हुआ था, हालांकि वो कहीं सही भी था पर कुछ कोचिंग ने अपने सारे इक्विपमेंट से उसको ठीक भी किया, पर फिर भी उन्हें प्रॉब्लम हुई, उनकी कोचिंग को बंद कर दिया गया। मेरा ये मानना है कि कोचिंग क्लासेस जो होती है वो सरकार की फेलियर का रीज़न है। अगर स्कूल कॉलेज इतना अच्छे से पढ़ा लेते तो कोचिंग की ज़रूरत ही ना होती। शायद यही रीज़न है कि कोविड में सबसे आखिरी टाइम पर खुलने वाला डिपार्टमेंट कोचिंग ही था। हालांकि इस मुद्दे पे बात नहीं करूँगा, नहीं तो कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल ना हो जाए, कोई सरकारी अफसर ना देखे इस वीडियो को, नहीं तो मुझे परेशान में डाल देगा। ये कोई न्यूज़ चैनल तो है नहीं कि मैं आपको ये न्यूज़ बताने के लिए इस वीडियो पर आया हूँ। इस वीडियो पर मैं बड़े सटीक तरीके से आपको ये बात करने वाला हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे रखनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ताकि कोई भी नगर निगम अधिकारी, सरकारी अधिकारी इन रीज़न से तो आपकी कोचिंग को बंद ना कर पाए। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो। इस वीडियो पर रिसर्च करते समय मैंने कई CA से कंसल्ट किया, एज वेल एज लॉयर से भी बात करी और एक निष्कर्ष निकाला। हालांकि मैं इस फील्ड से नहीं हूँ पर मुझे लगता है ये बात आप तक पहुँचानी चाहिए, ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आपको समझना ही पड़ेगा, उसे लागू करना ही पड़ेगा। अगर आप डिजिटल या फिजिकल कोचिंग के ऑनर हैं तो गार्ड बांध लीजिए, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन 138 में आपका नाम ना है। चलिए शुरुआत करते हैं। हाउ टू रजिस्टर अ कोचिंग क्लास इन इंडिया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा रहे हो या 10+2 की, नीट, IIT JEE, इस टाइप की सारी कोचिंग्स के लिए ये रजिस्ट्रेशन यूजफुल है, है ना। तो एक क्वेश्चन जो आपके मन में था कि किस टाइप की कोचिंग होना चाहिए, तो इस टाइप की कोचिंग, और अगर आपकी कोई स्विमिंग कोचिंग है, सिंगिंग कोचिंग है, तो उसमें भी रजिस्ट्रेशन काम आते हैं, बट स्विमिंग के लिए शायद कुछ और सर्टिफिकेशन लेना पड़े, तो वो आपको अपने लेवल पे सर्च करना होगा। मोड क्या होगा, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन। बहुत से लोग समझते हैं कि ऑफलाइन के लिए ही रिस्ट्रिक्शन, नहीं नहीं ऑनलाइन के लिए भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है। अगर आपकी सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग है तो आपको भी बहुत सारे लीगल एंटिटीज पे ध्यान रखना पड़ेगा, उस पर भी हम डिटेल में बात करते हैं। तो मोड आप समझ चुके, हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कवर करते चलेंगे। हाउ टू रजिस्टर का पहला स्टेप है, आपको चूज करना पड़ेगा राइट लीगल एंटिटी। देखिए अब ये कुछ 5 टाइप की होती है, मैं आपको यहाँ पे 4 तरीके के बारे में बताऊंगा। 5वां जो तरीका है मेरे ख्याल से बहुत रेयरली यूज करते हैं उसको। तो पहला जो तरीका है वो है प्रोप्राइटरशिप। अब इसको 80% कोचिंग ऑनर यूज करते हैं, है ना। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पर मैं आपको 3 ऑप्शन दे देता हूँ। द फर्स्ट वन इज बेसिक शॉप एक्ट लाइसेंस। अब ये क्या होता है, तो ये हर स्टेट वाइज डिफरेंट लाइसेंस अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें, मुंबई की बात करें, तो वहाँ पर स्टेट वाइज शॉप एक्ट लाइसेंस आपको मिल जाएंगे, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर GST रजिस्ट्रेशन, तो GST रजिस्ट्रेशन की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद ही आपको लेना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आपका इतना टर्नओवर है तो उसके बाद आप ले सकते हैं। MSME भी ले सकते हैं आप लोग। तो ये तीनों चीज़ें क्यों ज़रूरी है, तो आपको आपकी कंपनी के नाम पर करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप सेविंग अकाउंट पर 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर दोगे तो यहाँ पर आपके साथ में एक नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इससे बच के रहिए। तो इसलिए इन 3 रजिस्ट्रेशन को करवा कर अपना करंट अकाउंट कंपनी के नाम से खुलवा लीजिए। चाहो तो आप अपने अपने खुद के नाम से भी करवा सकते हो। तो ये जो करंट अकाउंट है आपको क्या मदद करेगा, तो बच्चों से फीस कलेक्ट करने में, टीचर्स को सैलरी देने में, इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स, कंप्यूटर, बेंच टेबल, कोचिंग रूम, ये सब बनाने में जो पैसा खर्च होता है, इस अकाउंट से आप ट्रांजेक्शन करेंगे,
तो आपके पास में जब आप रिटर्न फाइल करोगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, तो आपके पास आने की इनकम और जाने का जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो आप बता पाओगे प्रॉपरली। तो ये इसलिए करंट अकाउंट की जरूरत आपको पड़ती है। दूसरी लीगल एंटिटी है पार्टनरशिप फर्म। जैसे कि आपने बहुत सारे जगह पर देखा होगा, इवन आप भी कर रहे होंगे, कि चार पांच टीचर ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना ली। पार्टनरशिप से समझ में आ रहा है कि कुछ लोग, ग्रुप ऑफ लोग मिलकर एक कंपनी या एक फर्म डेवलप करते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है कि जहाँ पर कुछ टीचर्स मिलकर कितना पैसा लगा रहे हैं, कितने कितने उनके शेयर्स हैं, ये पूरा एक मेंशन करके एक डीड बन जाती है, और उस डीड में सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख ली जाती है कि किस तरीके से हम रन करेंगे, क्या हमारे बीच में जो एग्रीमेंट है, टीचर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट है, कितने लोगों को मंथली पेमेंट देना है, कितने को शेयर्स देने हैं, ये पूरे एक पार्टनरशिप डीड पूरी तरीके से फर्म हो जाती है। इसके बेसिस पे आप पैन कार्ड बन जाता है, आपका GST रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और इसके बेसिस पे आप खोल सकते हो अपना अकाउंट। जो तीसरा और चौथा तरीका है प्राइवेट लिमिटेड और LLP। अराउंड 20% या जितने बड़े कोचिंग हैं वो प्राइवेट लिमिटेड में ही लीगल एंटिटी रजिस्टर करते हैं, और LLP में बहुत कम। मेरी कंपनी की बात करूँ तो मैंने LLP में रजिस्टर करवाया है, क्योंकि देखिए LLP में कंप्लाइसेस कम होते हैं, CA की फीस कम होती है, आप जब भी चाहो तब LLP से प्राइवेट लिमिटेड में शिफ्ट कर सकते हो। तो प्राइवेट लिमिटेड में बहुत सारा, मतलब आप ये बोल सको कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस सीधे सीधे 10 गुना बढ़ जाती है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है। अगर आप छोटे लेवल पे हो तो LLP से शुरुआत करो, और थोड़े टाइम में उसको शायद अगर आपको लगता है तो प्राइवेट लिमिटेड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। LLP एक नया कॉन्सेप्ट है, प्राइवेट लिमिटेड बहुत सालों से चलता आ रहा है। तो अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हायरार्की या फिर कैसे वर्क करता है इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर्स, CEO और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आपको मिल जाते हैं। कोटा की कोई भी कंपनी, आकाश, LN, मेडिजी, इनकी बात करें तो यहाँ पर इसी तरीके से वर्क होता है। तो क्या होता है, ग्रुप ऑफ टीचर्स होते हैं, उसमें से कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ एक मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, और कुछ स्टेक होल्डर्स होंगे। स्टेक होल्डर्स में क्या होता है, किसी अच्छे नॉन टीचर्स को आप स्टेक होल्डर बना दो और उनको सैलरी भी दो और उसको कुछ परसेंटेज रेशो भी दो। अब ये स्टेक होल्डर के साथ में प्रॉब्लम थोड़ी, ये भी कर सकते हो ऐसा क्लॉज, ये भी डिसाइड कर सकते हो कि इनकी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इनकी नहीं होगी, डायरेक्टर्स की होगी। तो इस तरीके से पूरी हायरार्की मेंटेन होती है प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। सेम चीज़ आप LLP के अंदर भी कर सकते हो। ये सब सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में पूरी चीज़ें मेंशन होती है। काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। किसी CA से आप, जब मैं आपको एंड में कुछ CA रिकमेंड कर दूंगा, तो आप उनसे पूरी डिटेलिंग में इनसे बात कर सकते हैं। इसमें डायरेक्टर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, पूरी हायरार्की को एक फिक्स सैलरी असाइन करने का भी क्लॉज आप डालते हैं। ये सब चीज़ें वहाँ पर होती है। इसमें प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा MCA के साथ में, पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे और साथ में आप GST के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो ये एक प्रोसेस होती है। देखिए इन लीगल एंटिटीज़ में आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप एक इंडिविजुअल है तो प्रोप्राइटरशिप पे जाइए, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और उसके बाद में, क्योंकि उसके बाद प्रोप्राइटरशिप लेने के बाद में आप उसको प्राइवेट लिमिटेड में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप ऑफ टीचर्स है तो आपको जाना चाहिए LLP पर, क्योंकि LLP पे बहुत ज़्यादा कुछ, मेरे हिसाब से, मुझे, मेरा ये मानना है, आप अपने CA से भी डिस्कशन करिएगा, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप LLP पे आ सकते हैं, और मोस्ट प्रिफरेबल और अच्छा ऑप्शन ये भी है कि आप प्राइवेट लिमिटेड पर जाइए। तो ग्रुप ऑफ टीचर है तो LLP या प्राइवेट लिमिटेड, सिंगल आप कोई इंडिविजुअल हो तो आप प्रोप्राइटरशिप पे जाकर ये काम बहुत अच्छे से शुरू कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, पहला स्टेप है। ये नहीं लिया हो तो ले लीजिएगा, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रांड नेम, आपको आपकी कोचिंग का नाम रखना है। अब देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी कोचिंग का नाम अगर मैं आकाश रख लूं या मेरी कंपनी का नाम मैं आकाश रख लूं, तो मुझे कहीं पर ये नाम मिलेगा ही नहीं। चाहे मैं बात करूं MCA की वेबसाइट पर, चाहे मैं बात करूं ट्रेडमार्क की वेबसाइट पर, यहां पर मुझे मेरा नाम नहीं मिलेगा, डोमेन नेम भी नहीं मिलेगा। तो आपका ब्रांड नेम सिर्फ आपकी सोच तक सीमित नहीं है, आपको देखना पड़ेगा ये यूनिक हो और इन इन जगह पर ये अवेलेबल हो। तो कौन कौन सी जगह पर अवेलेबल होना चाहिए, मैं आपको डिटेल में एक बार बता देता हूँ, स्क्रीन पर आपके चल रहा होगा। सबसे पहले आपको ट्रेडमार्क की वेबसाइट पर चेक करना पड़ेगा, MCA की वेबसाइट पर चेक करना पड़ेगा, और उसकी डोमेन अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। दूसरा, आपको आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जो नाम रख रहे हो, YouTube, Facebook, Instagram, Telegram और एज वेल एज Twitter, इन सब जगह पर वो नाम आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको ट्रेडमार्क की वेबसाइट, डोमेन कैसे सर्च करना है, और दूसरा आपको MCA कैसे सर्च करना है, इन तीनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाके आप सिंपली सर्च करके देख लीजिएगा कि जो नाम आप सोच रहे हो वो अवेलेबल है या नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, सबसे पहले इसे परफॉर्म करिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो अब कर लीजिएगा, आपके कोचिंग का नाम, आपके कोचिंग के लोगों को सिक्योर कर लीजिए ट्रेडमार्क की मदद से।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आपके लोगों का ट्रेडमार्क ले लिया, नाम का ट्रेडमार्क ले लिया, तो डेफिनेटली आपके जो टीचर्स है या कोई पर्सन है इस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाएगा। और अगर ये यूज़ कर लिया, उसने ले लिया, तो वो यूज़ नहीं कर पाएगा, आप पे केस कर देगा। तो अगर आपने अभी तक ट्रेडमार्क नहीं लिया, तो सबसे पहले ट्रेडमार्क लीजिए, नहीं तो मैं आपके नाम की कोचिंग खोल सकता हूँ और आप कुछ नहीं कर पाओगे। पंछी पेड़ा देखा है ना, हर जगह पर पंछी पेड़ा नाम और लोगो भी यूज़ कर ही लिया। आगरा में आपको ये कन्फ्यूजन मिलेगा। ये अगर ट्रेडमार्क लिया होता तो कभी ये प्रॉब्लम आती ही नहीं, वो केस करके सबको क्लोज कर सकते थे। एक जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो होता है कि आपकी ब्रांड को आप ट्रस्टवर्थी कैसे बनाओगे। तो ट्रस्टवर्थी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ISO सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। इसे थोड़ा डिटेल में आगे समझेंगे, पर अभी मैं आपको बता दूं कि इसका फायदा क्या है। इसका सीधा सीधा फायदा है, जब आप ISO सर्टिफाइड होते हो तो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट करने से बिल्कुल नहीं डरते, कर देते हैं पेमेंट। उसके बाद में अगर आप कहीं पर भी टेंडर के लिए अप्लाई करते हो, ISO सर्टिफाइड हो, तो आपको एक बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा अगर आप कहीं पर भी, जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब या कहीं पर भी ऐसा एक्सेप्शनल सपोर्ट लेते हो, व्हाट्सएप API लेते हो, तो आप अगर ISO सर्टिफाइड दिखाते हो तो कंपनी बहुत कम चांसेस आपको टिक देने में और इन सब चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आपको इजीली मिल जाता है। इससे उनको भी एक होता है कि यार गवर्नमेंट ने इसको ISO सर्टिफाइड किया हुआ है इस कंपनी को, तो ये ध्यान रखिएगा। ISO सर्टिफिकेट दो टाइप के हैं। अगर आप सिर्फ प्रमोशनल और ब्रांडिंग के लिए यूज़ करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो नॉन IAF ISO के लिए अप्लाई। और अगर आप अपने स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना चाहते हैं, दोस्तों ये बात समझिए कि किसी भी कोर्स के कंप्लीशन होने पर अगर आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं और आप ISO सर्टिफाइड होते हैं तो आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा IAF ISO। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप एक ऑनलाइन कोचिंग क्लास के ऑनर हैं और आपकी एप्लीकेशन आपने प्ले स्टोर पर डाल के रखी है, तो आपको प्ले स्टोर का गूगल अकाउंट बनाना है और उसी पर किसी वेंडर की एप्लीकेशन को डलवाना है। मतलब अगर आपकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर है तो आपको जो अकाउंट है ना प्ले स्टोर का, वो आपका खुद का होना, आपको खरीदना है और वेंडर को बोलना भाई तू इस पे डाल के दे। तो क्या होगा कि इसके रिव्यूज रेटिंग सब कुछ आपके होंगे, जब चाहे आप वेंडर बदल सकते हो, राइट। इस बात का ध्यान रखना। अगर आप अपनी कोचिंग की एप्लीकेशन बना चाहते हो तो आप मुझे कॉल करिए, हम आपको एप्लीकेशन बना के देते हैं और वो भी आपके अपने गूगल प्ले अकाउंट पर। तो इससे ऐसा काम ना 80% मैं बोल दूं 90% जो कोचिंग की एप्लीकेशन प्रोवाइडर कंपनियां है ना, वो क्या करती है, वो जो अकाउंट होता है ना वो किसी और के नाम का होता है। मतलब वो कंपनी अपने नाम के अकाउंट पर आपकी एप्लीकेशन बना देती है। तो इससे नुकसान क्या होता है, कल को आप वेंडर चेंज नहीं कर पाओगे, वेंडर की डिपेंडेंसी हो जाएगी। मतलब जमीन उनकी है, घर आप बना रहे हो, तो यहाँ पर जमीन आपको आपकी रखना है। ये गलतियाँ बहुत करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन में। आज ही कर रहे हो तो उस वेंडर को छोड़ो और हम जैसे लोगों से जुड़ो जो आपको खुद का अकाउंट देते हैं। एक बात ये देखो, दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एक ईमेल आईडी। इस ईमेल आईडी को इतना सिक्योर करके अपने पास रखो और हर जगह पर एक ही ईमेल आईडी को यूज करो। पेन बनाना एक ईमेल आईडी, आधार बनाना एक ईमेल आईडी, अकाउंट बनाना एक ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक ईमेल आईडी, फेसबुक अकाउंट पे एक ईमेल आईडी। इस ईमेल आईडी को इतना सिक्योर करके रखो और इसको पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत करो। इसलिए ईमेल आईडी एक, जो हर काम के लिए एक ईमेल आईडी यूज करो, इसको सिक्योर करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एजुकेटर्स ये गलती करते ही है। एक कॉमन क्वेश्चन होता है, वन कंपनी कैन रन मल्टीपल बिजनेस इन वन कंपनी। क्या एक कंपनी अपने कंपनी नाम पर मल्टीपल बिजनेस कर सकती है? तो हाँ बिल्कुल कर सकती है। एक बार आप रजिस्ट्रेशन करा लो, उसके बाद में आपकी सब कंपनीज बना बना के आप काम कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो कि हम लोग नहीं करते, लोकल रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हमारे स्टेट के एजुकेशनल डिपार्टमेंट से। हर स्टेट का अपना अपना अलग होता है, हर जगह पर नहीं होता, पर जहाँ जहाँ पर कोचिंग हब्स होते हैं वहाँ पर तो मेरे ख्याल से एजुकेशनल डिपार्टमेंट वर्क करता है और उसके अंदर भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। तो आपको आपके स्टेट पे पता कर लेना है कि क्या हमारा रजिस्ट्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए इस चीज़ को समराइज करते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर वे में बताता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है। तो आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है अपनी फर्म को, GST के लिए अप्लाई करना है नहीं करना है आपके टर्नओवर के बेसिस पे डिसाइड करना है, फिर करंट अकाउंट खोलना है, अप्लाई करना है ट्रेडमार्क के लिए ISO के लिए, फिर अप्लाई करना है आपको लोकल लाइसेंस के लिए अगर सिटी की इस पे रिक्वायरमेंट है, आपको गवर्नमेंट बोलती है, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंटेशन कराना है तो आप करवा लीजिएगा। पाँच हुआ सोशल मीडिया अकाउंट
और इसके साथ साथ आपको ईमेल आईडी और गूगल प्ले अकाउंट करना है, सही वेंडर को चुनना है एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो अगर आप हमसे चाहते हो तो आज ही हमें इस नंबर पर कॉल कर लो। डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सिंपल डॉक्यूमेंट जो केवाईसी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ। आप एड्रेस प्रूफ आप क्या देंगे, तो आपको रेंट, अगर आप रेंटल करके अपना कोचिंग चला रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट आप दे सकते हैं, पर आप मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपका जो मेन ऑफिस बताना चाहिए, आपका घर का एड्रेस बताना चाहिए, क्योंकि रेंट तो बार बार चेंज होता रहता है, रेंट की लोकेशन बार बार चेंज होती रहती है। तो एड्रेस प्रूफ के रूप में आप अपना घर का ही एड्रेस दें, एक बार आपके सीए से भी कंसल्ट करें। देखिए यहाँ पर आपको मैं अभी आपके सीए का नंबर दे देता हूँ जिनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, जिनसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बहुत नॉमिनल कॉस्ट में। इन्होंने मुझे प्रॉमिस करा है कि मेरे थ्रू जो भी लोग आएंगे नॉमिनल कॉस्ट में आपके सारे रजिस्ट्रेशन करके देंगे, तो आप इन्हें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है प्लेस, आपकी कोचिंग का प्लेस कैसा होना चाहिए। तो आपकी कोचिंग का प्लेस ऐसा होना चाहिए जहाँ पर सारे कोचिंग वाले बैठे हो। मानता हूँ वो जगह महंगी होती है, बट फिर भी याद रखिएगा कंपटीशन वहीं पर होगा जहाँ पर लोग आएंगे। तो कोचिंग हब की कोचिंग वाली लोकेशन पे लोग बहुत सारे आते हैं, तो आपकी कोचिंग उसी जगह पे होनी चाहिए। आप पढ़ाओ मत वहाँ पर, वहाँ पर आप क्या करो, एक ऑफिस डाल लो छोटा सा और उसके साथ में एक छोटा डेमो रूम बना लो। इन दो की मदद से आप इजीली अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। ऐसा मत सोचो कि कोचिंग हब इस जगह पर है और आप कहीं और रूम ले लो क्योंकि वहाँ पर सस्ता है, कहीं कोचिंग ले लो कहीं वहाँ सस्ती है। नहीं, आपको यहीं पर आना पड़ेगा, कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। बड़े कोचिंग वहाँ पर होंगे पर छोटे कोचिंग को भी बच्चे मिलते ही मिलते हैं, इस बात को मैं गारंटेड वे में आपको बता सकता हूँ। दूसरा, आपको प्लेस कैसा लेना चाहिए, तो प्लेस आपको कोशिश करिए ग्राउंड फ्लोर पर लीजिएगा। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सिटी वाइज ये भी आ गया कि ग्राउंड फ्लोर पर कोचिंग होना चाहिए, हालांकि मेरे को ये परमानेंट नहीं कहीं पढ़ पाया मैं, बट ऐसा है अगर आपको लगता है फिजिबल हो तो ले लेना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर में हमेशा फिजिबिलिटी बन जाती है। प्लेस में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके 50 60 100 बच्चे आ रहे हैं तो उनकी गाड़ी पार्क करने की जगह है कि नहीं। पार्किंग भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस चीज़ का, याद रखिएगा, क्योंकि जब पार्किंग के चालान बनना स्टार्ट होते हैं तो प्रॉब्लम आपको भी होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फायर सेफ्टी। जी हाँ, गुजरात में जो हादसा हुआ उसके बाद में कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जैसे फायर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है और लगना भी चाहिए। तो आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में फायर सेफ्टी के सारे प्रावधान होने चाहिए। बट आपको ये बात बता दूं कि आप अपने हिसाब से फायर सेफ्टी मैनेज मत करो। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा आपके नियरेस्ट फायर डिपार्टमेंट में जहां पर फायर सेफ्टी से रिलेटेड आपको एनओसी मिलती है, उनसे पूरा समझिए, अपनी कोचिंग की एनओसी लीजिए। क्योंकि जिस दिन कोई आपके सामने आया आप उन्हें बताओ कि भैया फायर सेफ्टी के लिए भी हमारी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमारे पास में है, गवर्नमेंट से अलाउड है, तो कोई टेंशन नहीं है। क्या होता है कई बार, क्या होता है लोग, हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर रख लेते हैं, ऐसे अलार्म लगा देते हैं, ये सब चीज़ें कर देते हैं, पर ये सफिशिएंट नहीं होता, एनओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक कोचिंग ग्रोथ को लेके और गवर्नमेंट के परस्पेक्टिव से। जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, साथ ही साथ सही तरीके से बैठने की व्यवस्था, कोचिंग में वेंटिलेशन है या नहीं ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बच्चों को गर्म बिठाया किस तरीके से जा रहा है, धस धस के तो नहीं बिठाया जा रहा, कोविड गाइडलाइन को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलर और एसी, कूलर कौन सा, साइलेंट कूलर, एसी लगा ले तो बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन इरा चेंज हो गया है, 5-5, 6-6 घंटे बच्चा बैठता है, कंफर्ट में बैठना चाहता है, अच्छी सीट अच्छी टेबल पर बैठना चाहता है, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ये तो बात रही हमारी गवर्नमेंट परस्पेक्टिव से, आपके परस्पेक्टिव से बता दूं कि कोचिंग में आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको बनाना है काउंसलिंग रूम, और काउंसलिंग रूम के बाद में बनाना है आपका एक सीनियर काउंसलिंग रूम जिसमें आप खुद बैठो, डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर, एज अ सीईओ या फिर एज अ टीचर आप बैठो। क्योंकि पहले राउंड काउंसलिंग पे होगा, काउंसलर्स को बोला जाएगा, जो भी सीरियस पेरेंट्स लोग आते हैं उनको आप डायरेक्टर केबिन पे भेजिए, वहाँ पे आप खुद भी अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है वो है आकस्मिक चिकित्सा सुविधा। आपको ऐसी फर्स्ट एड किट अपने पास रखनी है जो आपके स्टूडेंट को किसी भी तरीके की इमरजेंसी में सेव कर पाए, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, अक्सर नहीं देखा जाता। अगर आपके पास में ये सारी सेफ्टीज आप पहले इसमें दिखाते हो तो आप पे एक अलग अच्छा इंप्रेशन होता है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में दिखाने के लिए बहुत कुछ होता है और सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वहाँ के टीचर्स। तो टीचर्स का लीगल रजिस्ट्रेशन हो ताकि आप दिखा पाओ कि आपके इतने टीचर्स हैं, गवर्नमेंट को भी एज वेल एज आपके स्टूडेंट्स को भी। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आप तक इसलिए रखी क्योंकि मुझे पता है जब सामने कोई अधिकारी नगर निगम का हो या गवर्नमेंट का हो
या फिर किसी भी डिपार्टमेंट का हो, जब वो आपसे आपकी कोचिंग के बारे में बात करता है तो वो किस लहजे में बात करता है और किन चीज़ों की डिमांड करता है, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास में हो और इन सारे पहलुओं पे आप ध्यान रखो तो ना सिर्फ आप गवर्नमेंट को सेटिस्फाई कर पाओगे, आप सेटिस्फाई करोगे वहाँ पे आने वाले बच्चों को, वहाँ पे आने वाले पेरेंट्स को, और आप बता सकते हो ये की फीचर है हमारी कोचिंग इंडस्ट्री का। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी पर्सन आपकी कोचिंग को बंद करेगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके बताइए, कुछ चीज़ कमी रही तो वो बताइए, कुछ सजेशन हो तो वो बताइए। इसके अलावा अगर कोई लीगल क्वेश्चन है वो भी पूछिए। मैंने जिन लोगों का नंबर आपसे शेयर करा है वो खुद आप पर इस पर कमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने उनसे एक प्रॉमिस लिया था कि अगर कोई भी क्वेरी मेरे कमेंट पर आएगी मैं आपका नंबर शेयर करूंगा, यहाँ से आपको लोग मिल जाएंगे। बट अगर कोई ऐसी टेक्निकल क्वेरीज आती है तो उस पर आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। उन्होंने बड़े दिल से हाथ करा। मैं बात कर रहा हूँ सीए प्रवीण गुप्ता जी की, जिन्होंने मुझे पूरी हेल्प करी इस प्रोसेस को समझने में, और कोशिश करूंगा अगर इसमें कुछ भी इनपुट होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो और बनाऊं। आप मुझसे कंटिन्यूसली क्वेश्चन कर लो, मैं इन पर नेक्स्ट वीडियो भी बना सकता हूं। तो चलिए बात को ही समाप्त करते हैं, और आशा करता हूं कि आपकी कोचिंग बंद होने की जगह ऐसा ग्रो करे कि आप खुद अपने आप में प्राउड फील करें। कोचिंग बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है अगर आप इसको शिद्दत से करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।